हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी ये फूल वाली पत्तियों के साथ बनी हुई ड्रेस लेकर आई हूँ कान्हा जी के लिए। 2 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है मैंने। तो जैसे जैसे आप जालियाँ बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी पत्तियाँ बड़ी बन जाती हैं और बड़े कान्हा जी के लिए बन जाएंगी। तो आपने दो दो जालियाँ हर नंबर में बढ़ाते जाना है। अगर छोटे साइज की बनाना चाहते हैं, 0 और 1 साइज की, तो आपने 3 जालियाँ डालनी है। तो ये चोली बना रहे हैं, ऊपर का हिस्सा दो पार्ट बनेंगे, सेम एक जैसे बनेंगे। यहाँ पर मैंने सिंगल धागे के साथ जो है फंदे डाले हैं 20। और उल्टा उल्टा बना लेंगे सभी फंदों को। उल्टी बना ली मैंने, अब सीधी साइड में है तो यहां से भी उल्टा बना लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड करके उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। तो 2 सिलाइयाँ बना ली, ऐसे 4 सिलाइयाँ और बना लूँगी। तो टोटल हमें यहाँ पर 6 सिलाइयाँ चाहिए। तो बना लेती हूँ उल्टा उल्टा दोनों तरफ से। ये देखिए मैंने टोटल जो है 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब उल्टी साइड से इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, 2 का 1 करते जाएंगे इस तरह से। ऐसे 2 का 1 करते जाएंगे, ज्यादा टाइट हाथ से नहीं करेंगे, ना ही ज्यादा लूज रहे। और इस तरह से हम 2 बना लेंगे पीसेस, जो कि हमारे चोली के लिए होंगे। और सेम इसी तरह से बनाएंगे कैप के लिए, 20 फंदे डाल के, लेकिन उसमें सिलाइयां जो है 8 होंगी। जैसे यहां पर मैंने 6 बुनी, बाइंड ऑफ किया, तो उसमें हमारी सिलाइयां 8 होंगी। तो इस तरह से 2 और पीस तैयार कर लेते हैं कैप के लिए। 2 रो और एक्स्ट्रा बुनेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से सेम मैंने 2 पीसेस बना लिए हैं और 1 बना लिए है ये कैप के लिए। ये 8 सिलाइयाँ बनाई हैं इसकी, थोड़ा सा इसकी चौड़ाई है। तो आप भी इस तरह से तैयार कर लीजिए। आप बनाएंगे चोली के लिए फंदे डालेंगे, जो हमारा घेरे का डिजाइन होगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरह से नोट लगा ली, ये घेरा बनेगा। तो 5 फंदों से ही स्टार्ट करेंगे, 1 उल्टा, ये 2, 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा अपनी साइड ही रहेगा। ये तीसरे नंबर का फंदा जो है, यानी कि बीच का फंदा, इसे जाली डालते हुए सीधा बना लिया। धागा फिर अपनी, धागा उस साइड ही रहेगा, दूसरी तरफ ही, और जाली फिर अपने आप डल जाएगी क्योंकि इसे उल्टा बुनेंगे। आगे का फंदा जो है, देखें, ये एक जाली वाला फंदा आ गया और ये आ गया। इस तरह से जाली डालते हुए उल्टा बन गया अपने आप ही। ये फंदा भी उल्टा बना लेंगे। उल्टी साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को आपने उल्टा ही बनाना है जो जाली के साथ बड़े हैं। देखिए इस फंदे को ऐसे नहीं बुनेंगे, जो कि बैक साइड से जाली हमारी सेकंड बनी है, इसे बैक साइड से इस तरह से बुनेंगे ऐसे। और ये जो फंदा है, इसे इस तरह से आगे से ही बुन लेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, बाकी सेम ही रहेगा। जैसे भी आपको जाली बनानी आती है, उसी तरीके से बना सकते हैं।
या ऐसे भी बना सकते हैं। फिर से देखें, तीसरी सिलाई है, एक दो, पहले दो बुने थे, अब ये जाली के साथ बढ़ा है तो तीन हो गए उल्टे, बढ़ते जाएंगे दो दो फंदे, ये तीन उल्टे हो गए, धागा अपनी साइड ही रहेगा। ये देखिए बीच का फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा जाली डालते हुए, ये देखिए सीधा आ गया, धागा पीछे ही रहेगा, धागे को आगे पीछे नहीं करेंगे, और अब ये फंदा उल्टा बुनेंगे तो अपने आप ही यहाँ पर जाली बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से एक उल्टा हो गया जाली के साथ में, और ये लास्ट में दो फंदे भी उल्टे, तो आपने देखा दो जालियाँ हमारी बन गई। तो फंदे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, उल्टी साइड से उल्टा ही बना लेंगे। ये देखिए जाली वाला फंदा जो है बैक साइड से इस तरह से बुनेंगे, उस सिलाई को निकालेंगे, फिर यहाँ से सिलाई को इस तरह से निकालेंगे। ये जो जाली है इस तरह से आपकी आनी चाहिए सीधी, बाकी के फंदे भी सिंपल उल्टे बना लेंगे ऐसे। एक बार फिर से देख लीजिए, दो तीन, इस जाल के साथ बड़ा है चार, अब चार हो गए उल्टे, ये देखें सीधा फंदा है, इसके आसपास जाली चाहिए तो धागा अपनी साइड ही रहेगा, और जाली डालते हुए सीधा बनाएंगे, धागा उधर ही रहेगा, और ये लास्ट के चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार, उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे सभी फंदों को। पहला फंदा उतारेंगे, चार फंदे उल्टे, फिर ये जाली वाला फंदा जो है बैक साइड से उठा के बनाना है इसे इस तरह से, और सिलाई को ऐसे घुमा के निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से सीधा रहे। फिर से सीधी साइड, एक दो तीन चार, अब हमारे पांच फंदे उल्टे हो गए। देखें जाली अगर इस तरह से नहीं डालना चाहते हैं तो आप क्या करें, धागा पीछे लेके जाएं और इस तरह से घुमा के डालें, जाली बन गई, एक फंदा आप सीधा बुनेंगे, आप देखें फिर से धागा अपनी साइड करेंगे और ऐसे घुमाएंगे जैसे उल्टा बुनते हैं, और बाकी के फंदे उल्टे। जैसा आपको इजी लगे वैसे आप जाली को बना लीजिए, ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे, पहला उतारेंगे और ये फंदे उल्टे बना लेंगे, ये देखिए। अब इस फंदे को जैसे ऐसे सामने से आ रहा है तो सामने से ही बना लेंगे, अब ये इसे यहां से बनाएंगे, देखिए यहां से नहीं बनाएंगे ऐसे बनाएंगे। यहां पर देखिए एक दो तीन चार, चार जालियां बन गई हैं, एक और बना लेती हूँ फिर आपको दिखा, ये देखें एक दो तीन चार पांच, पांच जालियां बन गई हैं हमारी। अब घटाएंगे फंदे तो देखें सीधी साइड में है, अब पहले जालियां डाल रहे थे अब नहीं डालनी है, पहला फंदा उतार के देखें सभी फंदे उल्टे बना लेंगे सीधी साइड से, और उल्टी साइड में फंदों को घटाएंगे, जैसे दो दो फंदे हमारे बड़े हैं हर रो में वैसे ही दो दो फंदे कम होंगे हर उल्टी रो में। सीधी साइड से उल्टा बना लेंगे, अब उल्टी साइड में यहाँ पर देखें दो को इकट्ठा बना लेंगे, शुरुआत में दो फंदे इकट्ठे बना लिए, बाकी के सारे फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, और लास्ट में फिर से दो का एक करेंगे तो एक फंदा हमारा एक साइड कम हो गया और एक लास्ट में कम हो गया। ये देखें लास्ट में दो को इकट्ठा बना लेंगे उल्टी साइड से, सीधी साइड से कुछ नहीं करना है आपने, सीधी साइड से उल्टा उल्टा ही बनाना है सारी रो को, और जब तक हमारे तीन फंदे रह जाते तीन का एक कर देंगे लास्ट में, तब तक इसी तरह से घटाते जाएंगे दोनों साइड से एक एक फंदा उल्टी साइड से। देखिए सीधी साइड मैंने ये उल्टी बना ली है, देखिए अब उल्टी साइड फिर से आ गए हैं, तो ये दो फंदे लेंगे
शुरुआत के, इस तरह से दो का एक बना लेंगे ऐसे। फिर बाकी के फंदे उल्टे, बीच में जितने भी फंदे होंगे उल्टे बुने जाएंगे। लास्ट में दो फंदे बचते हैं, इन्हें भी दो को इकट्ठा ही बना लेंगे इस तरह से। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तीन के तीन फंदे बना लिए, उल्टी साइड में ही तीन का एक करना है फिर से ऐसे। इस तरह से नोट लग गई है और आप देखेंगे इस तरह से हमारी पत्ती जो है बन गई है। तो यहां पर मैंने बना ली है पत्तियां ऐसे। ये बना ली है मैंने 6 पत्तियां। आप चाहो तो एक ही कलर से बना सकते हैं। ये देखिए, उल्टी साइड में इस तरह से करेंगे और क्रोसिया हुक से या सुई में डाल लें फंदे को, इस धागे को, और इस तरह से बैक साइड को निकाल दें ताकि साफ सुथरा दिखे ऐसे। जहां फंदे डाले थे उस साइड का भी इसी तरह से आगे आगे कर लेंगे। और ये जो बनाए हैं इसके धागे भी इस तरह से कर लेंगे बैक साइड को। अब देखें इन्हें सिलेंगे, जो सारे पीसेस हैं स्टिच करेंगे। देखें किस तरह से करेंगे, पहले तो ये पत्तियां जो बनी हैं इन्हें स्टिच करेंगे। तो धागा मैंने डाल लिया है इस तरह से, इस तरह से रखेंगे। यहां पर रखेंगे और ऐसे इस तरह से मैंने सिल लिया है। यहाँ पर नोट लगा लेंगे। उल्टी साइड को नोट लगा देंगे इसी तरह से। और कट कर देंगे। अब इसके बाद जो है ये रखेंगे इस तरह से और सिल लेंगे। जैसे यहां पर सिला है वैसे ये राउंड में आ जाएगा। फिर देखिए इस तरह से इस तरह से रख लेंगे। सिर्फ एक नहीं सिलेंगे, ये लास्ट वाला खुला रहने देंगे। यहां तक सिल लेती हूं मैं। तो इसके लिए एक डोरी भी चाहिए, तो इस तरह से डबल लेंगे बूल को और क्रोसिए से बना लेंगे ऐसे।
ये देखें मैंने ये ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। यहाँ पर डोरी डालेंगे, तो जो मैंने क्रोसिए के साथ बनाई है उस डोरी को, ये जो हमने जाली डाली है यहाँ पर डोरी को डाल देंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में डाल देंगे, यहां से बैक को कर देंगे। तो राउंड में डाल लेती हूँ डोरी को। तो ये देखिए मैंने डोरी डाली है। डोरी से क्या होगा, जितना भी आप टाइट करना चाहते हैं कमर को तो कर सकते हैं, खुला भी कर सकते हैं, जैसे आप पहनाना चाहते हैं। यहाँ पर नोट वगैरह लगा लें तो एक साइड से ऐसे खुला रहेगा। तो आपने देखा कितना प्यारा सा ये बन गया है डिजाइन हमारा। अब ये कैप सिलेंगे, तो कैप को इस तरह से कर लेंगे उल्टी साइड, और यहां से यहां तक और यहां से इकट्ठा सिल देंगे। अब यहां से इस तरह से निकाल लेंगे। टाइट कर लें और नोट लगा लें। कैप को मैंने अच्छी तरह से सिल लिया है और इस तरह से सीधी कर देंगे। ये देखेंगे आप बहुत प्यारी सी कैप जो है बन के आई है। ये जो बनाए हैं चोली के लिए, ये सीधा है देखिए जहाँ से फंदे डाले थे, और ये भी सीधा है। ये देखें ये सीधा सीधा है। इस तरह से रखेंगे दोनों, और या तो सुई से स्टिच कर लें या क्रोसी से भी कर सकते हैं। सुई से बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ से सिलेंगे 1 इंच तक। नोट लगा लिए और कट कर देंगे इस तरह से। ये अटैच हो गए हैं यहाँ से। अब यहाँ भी हमें एक डोरी चाहिए, तो सिंगल धागे के साथ डोरी बना लेंगे पतली सी क्रोसी के साथ। क्रोसिया थोड़ा बड़ा नंबर कर लूंगी, इससे बना लूंगी मैं। फोर्टी फाइव चेन मैंने इसमें बनाई है, हल्की सी लूज हाथ से बनाई है। अब यहाँ पर डालेंगे क्रोसिया जहाँ से स्टिच किए हैं उस साइड, और इस डोरी को निकाल लेंगे।
आसानी से निकल जाएगी, बारीक ही बनाई है इसीलिए मैंने ये डोरी। एक्स्ट्रा फंदे जो हमारे ये धागे निकले हुए इस तरह से कट कर लेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे इस तरह से। अब अपने कान्हा जी को देखिए किस तरह से बनाएंगे, चोली ऐसे रखेंगे और ये जो है उनके बाजू के ऊपर कंधे में इस तरह से डालेंगे, ऐसे बैग को इस तरह से कर लेंगे क्रॉस, ऐसे रख लेंगे। और ये जो डोरी डाली है इस तरह से बांध देंगे बैक में ऐसे, ये क्रॉस में रखेंगे ऐसे। और इस तरह से यहाँ पे कान्हा जी का यहाँ बाजू आ जाएगी दोनों साइड और यहाँ पर चेहरा आ जाएगा। फिर ये बैक की जो है इसे पहना देंगे, चाहे इसे आगे की साइड कर लें या बैक कर लें, इस तरह से टाइट कर लें और इसे भी बांध दें बैक साइड को ऐसे। जब आप पहनाओगे बहुत ही प्यारी दिखेगी। मैं आपको इसकी फोटो डाल के कान्हा जी के साथ में कि कैसी लग रही है। और ये रही हमारी छोटी सी कान्हा जी की कैप। अगर कैप आपको बड़ी लग रही है, बड़ी मैंने इसलिए बनाई है, कई लोग जो हैं कान्हा जी को बाल वगैरह भी पहनाते हैं तो उसके लिए आसानी रहती है। तो आप 18 फंदों की भी बना सकते हैं और 16 की भी बना सकते हैं। तो ये बन के कम्प्लीट हो चुकी है, बहुत ही प्यारी सी। ज़रूर एक बार ट्राई करें, वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। पास में घंटे का बटन है, ज़रूर प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।